फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोडियम के बारे में। अब सोडियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हम पिछला जो टॉपिक हमने ऑस्मोलैरिटी डिस्कस किया था उसमें समझा है कि सोडियम का क्या इम्पोर्टेंस है। सोडियम, ये टॉपिक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। हम रेसिडेंसी में जब सोडियम पढ़ते थे तो बहुत बार नींद आ जाती थी क्योंकि चीजें समझती नहीं थी। तो आज हम समझेंगे कि सोडियम इम्पोर्टेंट कैसा है, वो किस तरीके से काम करता है, उसका बैलेंस बॉडी में कैसे रहता है, और जो पैथोफिजियोलॉजी है हर डिजीज में, सोडियम क्यों कैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, बार बार सोडियम क्यों किया जाता है, क्यों बार बार कहते हैं कि सोडियम भेज दो, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। और जब हम ये चीजें समझ जाएंगे तो किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करना हमारे लिए आसान होगा। तो सोडियम, जैसा हमने पिछले टॉपिक में समझा था ऑस्मोलैरिटी के, कि सोडियम से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है और ये ऑस्मोलैरिटी पानी को रिटेन करती है। पानी को रिटेन करने के कारण जो ब्लड प्रेशर है, इंट्रावेस्कुलर जो वॉल्यूम है, उसको मेंटेन करने में सोडियम का रोल होता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। दूसरा, ऑस्मोलैरिटी के कारण जो फ्लूइड एक्सचेंज है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, वो इसमें सोडियम का रोल होता है। तीसरा, सोडियम जो नर्व कंडक्शन है और मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें भी सोडियम का रोल होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करने में भी सोडियम का रोल होता है। तो सोडियम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, और इसको हम Na+ के हिसाब से दिखा दे, इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से शरीर में काम करता है। तो सोडियम का पैथोफिजियोलॉजी समझना मतलब ऑस्मोलैरिटी को समझना है। अगर हम ऑस्मोलैरिटी का कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है तो हम सोडियम का फंक्शन, उसके डिसऑर्डर्स, उसके सिम्टम्स नहीं समझ सकेंगे। तो ये स्ट्रांगली एडवाइज है कि पहले आप ऑस्मोलैरिटी का टॉपिक देखें और उसके बाद में ही सोडियम को पढ़ना शुरू करें। तो सोडियम का जो बैलेंस है उसकी पिक्युलैरिटी ये है कि वाटर के साथ में इसका होम्योस्टेसिस होता है। तो आप अकेले सोडियम को स्टडी नहीं कर सकते, अकेले सोडियम को मैनेज नहीं कर सकते, आपको सोडियम और वाटर दोनों चीजें साथ में समझनी पड़ेगी, तभी इसको आप कंप्लीटली समझ सकोगे और तभी उसी के हिसाब से आपको मैनेज भी करना होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर एक ग्लास में पानी है और उसमें आपने नमक डाल दिया, तो जो सोडियम क्लोराइड का घोल है वो, उसमें अगर आपका नमक का कंटेंट ज्यादा है तो उसको नमक का कंटेंट कम करने के दो तरीके हैं, या तो आप किसी तरीके से उसका नमक निकाल लो या फिर उसमें और पानी जोड़ दो, है ना। उसी प्रकार से शरीर में जो सोडियम है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो कम ज्यादा होता है वो वॉटर के होम्योस्टेसिस से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शरीर में समझो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, अगर जितना आपको सोडियम एक्सपेक्टेड है उससे शरीर में सोडियम कम है, तो बॉडी उसको सेंस कर लेता है कि शरीर में सोडियम कम हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, तो बॉडी बहुत सारा फ्लूइड पेशाब में से बाहर निकाल देता है, जिसके कारण सोडियम का लेवल नॉर्मल हो जाता है। या फिर अगर कभी किसी कारण से आपका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है शरीर में, तो बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि या तो बॉडी बहुत ज्यादा प्यास बढ़ा देती है जिसके कारण आदमी बहुत ज्यादा पानी पी लेता है, या फिर जो पेशाब में पानी जा रहा है उसको कम कर लेता है। तो ये कंसेप्ट हमको याद रखना है कि वाटर के बैलेंस के साथ ही सोडियम को बैलेंस किया जा सकता है, है ना। तो क्या क्या तरीके से मैनेज होगा हम डिटेल में समझेंगे, पर एक चीज हमको आज समझनी है यहां पे कि अगर नमक ज्यादा हो गया तो हमको पानी मिलाना है। तो अब समझते हैं कि सोडियम कैसे रेगुलेट होता है बॉडी में। सोडियम, जैसे मैंने बताया कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। ऑस्मोलैरिटी का काम है कि इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में जो ब्लड वेसल्स है आपके, उसके अंदर में पानी मेंटेन करना। समझते हैं कि सोडियम रेगुलेट कैसे होता है। जैसे हमने समझा कि अगर सोडियम को मैनेज करना है तो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो वाटर बैलेंस करके, है ना, अगर सोडियम ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा रिटेन करो, सोडियम नॉर्मल हो जाएगा। अगर सोडियम कम है तो पानी ज़्यादा एक्सक्रीट करो, सोडियम नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरा, हम सोडियम के मैकेनिज्म से भी, सोडियम को कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म से भी इसको कर सकते हैं। जैसे सोडियम ज़्यादा हो गया तो सोडियम ज़्यादा एक्सक्रीट करो, सोडियम कम हो गया तो सोडियम ज़्यादा रिटेन करो। अब ये जो है, इसको कुछ हार्मोन्स है जो कंट्रोल करते हैं। वो अगर हार्मोन्स हमने समझ लिए
तो सोडियम का पैथोफिजियोलॉजी, सोडियम का फिजियोलॉजी समझना आसान है। तो वाटर के लिए जो मेन जो रेगुलेटर होते हैं, फर्स्ट है अपना थर्स्ट मैकेनिज्म, और सेकंड है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ही वासोप्रेसिन कहते हैं, और इसी को ही आर्जिनिन वासोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये अलग अलग हार्मोन्स नहीं है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का ही वासोप्रेसिन कहा जाता है, और या फिर आर्जिनिन वासोप्रेसिन कहा जाता है। तो ये आता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी से, पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो है उसमें ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रिट होता है। थर्स्ट जो है ये ब्रेन, ब्रेन के स्टिमुलेशन से थर्स्ट होता है। तो जब भी हम चाहते हैं कि सोडियम ज़्यादा है बॉडी में और हमको उसको रेगुलेट करना है, तो पेशेंट का जो है वाटर रिटेंशन की तरफ जोर जाएगा, जिसके कारण से उसका थर्स्ट डेवलप होगा, वो ज़्यादा पानी पिएगा, या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जैसा नाम सजेस्ट करता है कि डायूरेसिस को ये रोकता है। डायूरेसिस मतलब ज़्यादा पेशाब करना, तो ये पेशाब को रोकता है, पेशाब कम करता है, पेशाब में से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर कंटेंट बढ़ा देता है। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर को रेगुलेट करके सोडियम को रेगुलेट करता है। दूसरा सोडियम, अब सोडियम को, सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, कुछ हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सोडियम कम होता है बॉडी में तो बॉडी चाहती है, या फिर पानी कम होता है तो बॉडी चाहती है कि थोड़ा सोडियम रिटेन करे, क्योंकि सोडियम रिटेन करेंगे तो पानी भी रिटेन होगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी तक के जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होने के कारण बॉडी को लगता है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ब्लड कम आ रहा है, तो बॉडी सोडियम को रिटेन करती हो, क्योंकि सोडियम और पानी साथ साथ जाते हैं। तो जब भी सोडियम बॉडी रिटेन करेगी तो साथ में पानी भी रिटेन होगा। तो रिटेन करने के लिए किडनी हार्मोन एक सीक्रेट करती है जिसका नाम है रेनिन, है ना। तो जब ये रेनिन हार्मोन सीक्रेट होता है तो ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन में, और एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और ये कन्वर्ट होता है अल्डोस्टेरोन में। तो ये जो रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसका काम है सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना, ठीक है। तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स इसको, या फिर रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS, रास सिस्टम इसको कहते हैं, ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को किडनी से बढ़ाता है। मतलब किडनी में जो सोडियम लॉस हो रहा है उसको रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जितना भी सोडियम यूरिन में जा रहा है। तो इस प्रकार से जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये वाटर को रिटेन करेगा, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम को एब्जॉर्ब करना बढ़ाएगा। अगर समझो ये सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा, या फिर फ्लूइड शरीर में ज़्यादा है, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ गया, तो कौन सा हार्मोन है जो सोडियम को एक्सक्रीशन बढ़ाएगा सोडियम का, तो उसके लिए जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम या फिर इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम आके वो हार्ट का जो एट्रियम है उनको स्ट्रेच करता है, और एट्रियम को स्ट्रेच करने के बाद में एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, है ना, जिसको ANP कहते हैं, ये भी सीक्रेट होता है। तो जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम बढ़ेगा, जब भी एट्रिया के वॉल स्ट्रेच हो गए, एट्रिया के वॉल एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड सीक्रेट करेगा। अब ये जो एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड है, इसका नाम ही नाइट्रीयूरेटिक है, मतलब नाइट्री मीन्स सोडियम और यूरेटिक मतलब सोडियम में, यूरिन में। तो ये यूरिन में सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ाता है, कैसे, तो ये बेसिकली रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन को इनिबिट करता है, ये हार्मोन को इनिबिट करता है, जिसके कारण से जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन है वो बंद हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम यूरिन में से बाहर जाता है। और जब सोडियम यूरिन में जाता है तो साथ में बहुत सारा पानी भी लेके जाता है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर, वो एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है वो यूरिन होने के कारण कम हो जाता है और नॉर्मल होता है। साथ ही साथ
ये जो एंट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन को भी इनिबिट करता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को इनिबिट करने के कारण डायूरिसिस होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन जाता है, और जिसके कारण से एक्स्ट्रा सेल्युलर वॉल्यूम नॉर्मल होता है। तो हमने क्या समझा कि सोडियम को रेगुलेट करने के लिए वाटर ज़रूरी है, और वाटर को रेगुलेट करने का हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सोडियम को किडनी में से एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स काम करता है, और सोडियम को यूरिन में बढ़ाने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड काम करता है। और एक चीज़ जो सोडियम के रेगुलेशन में आती है वो है ब्रेन, है ना। तो ये ब्रेन में जैसा हमने समझा था कि एक थर्स्ट काम करता है, वैसे ही सोडियम को रेगुलेट करने के लिए एक सॉल्ट एपेटाइट होता है। तो ये ह्यूमन बीइंग में इतना फंक्शनल नहीं है, लेकिन बहुत से एनिमल में जब सोडियम का लेवल बॉडी में कम होता है तो वो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और ज़्यादा नमक खाने की इच्छा होती है, उसको कहते हैं सॉल्ट एपेटाइट, है ना। तो अगर सोडियम कम हो गया तो उस आदमी को फिर ज़्यादा सॉल्ट खाने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें अगर हम समझ जाए तो सोडियम का जो रेगुलेशन है वो किस प्रकार से होता है हम समझ पाएंगे, और यही चीज़ें बार बार आपको सोडियम के इसमें आएगी। इसी से हम समझेंगे कि बॉडी सोडियम के लेवल को रिस्पॉन्ड कैसे करती है, इसी से हम समझेंगे कि डिसीज प्रोसेस में कहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि सोडियम का रेगुलेशन कैसे होता है। तो सोडियम में ये जो किडनी में क्या रेगुलेशन होता है, कैसा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग टक में कौन सा हार्मोन कैसे एक्ट करता है, वो डिटेल में समझेंगे जब हम रीनल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, रीनल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए हमको समझना है कि सोडियम इस प्रकार से बैलेंस होता है। तो क्या सोडियम का लेवल स्टिमुलेट करता है इन सब चीज़ों के लिए? नहीं। तो ऑस्मोलैरिटी जब बढ़ जाती किसी भी कारण से, मे बी फ्लूइड लॉस के कारण, या फिर नया ऑस्मोल जब ब्लड में आ जाता है, फॉर एग्जांपल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आपके शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की बढ़ जाती है। या फिर ब्लड प्रेशर किसी कारण से कम होता है, सेप्सिस के कारण, ब्लड लॉस के कारण, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हो जाता है, अगेन ब्लड लॉस के कारण, या फिर डिहाइड्रेशन के कारण। तो ये सारे स्टिमुलेट एक्टिवेट करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन को, जो कि आपका वाटर रिटेंशन करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को जो सोडियम रिटेन करेगा, ये ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा जिससे कारण देखिए थर्स्ट बढ़ेगा और पेशेंट ज़्यादा वाटर लेगा, या फिर ये सॉल्ट क्रेविंग को बढ़ाएगा सोडियम के इनटेक को बढ़ाने के लिए। अगर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाता है किसी भी कारण से, मे बी कार्डियक फेल्यूर के कारण या फिर हाइपोअल्ब्यूमिनिया के कारण, तो ऐसे कंडीशन में एट्रिया स्ट्रेच होकर एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड को सिक्रेट करेगा। अब नाइट्रोयूरेटिक मींस सोडियम का यूरिन में एक्सक्रीशन बढ़ाना। तो जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ेगा एएनपी सिक्रेट होगा और ये सोडियम का एक्सक्रीशन यूरिन में बढ़ाएगा। तो हम समझ लेते हैं कि कैसे ये सब काम करता है। तो जब भी किसी कारण से वाटर डिप्राइवेशन हुआ है, इसको हम समझेंगे वाटर डिप्राइवेशन, है ना, यहाँ पे, या फिर किसी कारण से शरीर का पानी एकदम से कम हो गया, तो इसके कारण क्या होता है कि प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत थोड़ा। तो जब भी प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी चेंज होता है वो सबसे बड़ा स्टिमुलस होता है कि पानी को रिटेन करो, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी अगर चेंज हो जाए तो, जैसे मैंने समझाया था कि अगर प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाए तो वो हर सेल में से पानी खींचना शुरू करेगा इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए, खास करके उसका इफेक्ट ब्रेन पे ज़्यादा होता है। तो जैसे ही थोड़ा सा प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी चेंज होता है, बढ़ जाता है, तो यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जैसा काम किया था कि एंटी डायूरेसिस है, ये यूरिन को कम करता है, तो यूरिन का फ्लो रेट एकदम से कम हो जाता है, यूरिन एकदम से ड्रॉप हो जाता है। तो यूरिन का वाटर रीअब्जॉर्प्शन होने के कारण यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि जब हम पानी नहीं पीते या फिर बहुत देर तक के पानी नहीं पिया, या फिर किसी कारण से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद में अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाए तो यूरिन का फ्लो रेट एकदम से कम हो जाता है, पेशाब कम होती है उस दिन। तो ये इसका कारण ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, और जैसे ही यूरिन कम होता है तो धीरे 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 प्लाज्मा का जो लेवल है वो नॉर्मल होने लगता है। तो धीरे 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 प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल होने लगती है। तो जब भी प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा यूरिन का फ्लो रेट कम होगा, और जैसे ही एक बार वॉल्यूम स्टोर हो जाएगा फिर से यूरिन
नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो जब यूरिन का वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसका सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से यूरिन का ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाता है। तो यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, हम देखते हैं कि येलो दिखने लगता है यूरिन जब भी पानी कम पीते हैं, और यूरिन का ऑस्मोलैरिटी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि पर ml जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने जैसी है कि जो यूरिन में सोल्यूट एक्सक्रीट हो रहे हैं, यूरिया जा रहा है, क्रिएट जा रहा है, या बाकी जो सोल्यूट्स जा रहे हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। तो जो मेन वॉल्यूम कम हुआ है वो बेसिकली वाटर के रीअब्सॉर्प्शन के कारण हुआ है, और उसमें एंटीडायुरेटिक का रोल है।